subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. कसूरी मलाई चिकन जो है इसकी रेसिपी नहीं बताई. अच्छा इसकी नहीं बताई. हाई जान के नहीं बताई ना, चोरियां ना कर ले कोई. देखिए इसमें कुछ भी नहीं है. आप अगर सुबह उठे आपने चिकन निकाला जल्दी से मैरिनेट करके रख दो. बोनलेस चिकन ले, हड्डी वाला ले, जैसा आपका वो हो. अदरक लहसुन लिया, उसमें आपने पेस्ट लिए डाला, इनको तो मैंने लिख के दे दी थी रेसिपी. अदरक लहसुन डाला आपने, क्या कहते हैं उसमें नमक डाला, थोड़ा थोड़ा सब कुछ डालना है. थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी आपने, क्या कहते हैं हल्दी डाली थोड़ी सी, और उसके बाद आपने कसूरी मेथी को जो हल्का सा यूज किया दही में. हाँ याद रखिएगा, दही में, दही हमेशा कहना भूल जाती हूँ. आपने ये सब दही में मैरिनेट. हाँ दही में मैरिनेट करके आपने एटलीस्ट 60 मिनट तक छोड़ दें. ओके, बाकी के आप अपने काम वाम करते रहें. फिर आप अपनी पतीली चढ़ाएं, उसमें खड़ा मसाला डालें. खड़ा मसाला भी कोई ऐसा नहीं जो आपने कुछ पूरे ही 12 मसाले ले लिए. उसमें भी सिर्फ आपने सिनेमन ली, सिनेमन स्टिक ली, दो इलायचियां साबुत ले ली, दो इलायचियां ले ली, दालचीनी, कुछ नहीं चाहिए, दालचीनी वगैरह भी इसमें नहीं. हाँ दालचीनी कोई कह रहे स्टेक ली आपने, इलायची डाली, हरी इलायची डाली, और आपने लौंग डाली, ये डाले भाजी सारी चीजें तीन, ये डाल के आपने उसको हल्का सा फ्राई किया. आपने जो मैरिनेट किया हुआ सामान था वो इसमें डाल. अच्छा इसमें मैं एक चीज भूल गई, वो है पिसा हुआ गरम मसाला. वो आपने जरूर मैरिनेशन बाद में छिड़कना है, मैरिनेशन में मिलाना है. अच्छा ठीक है. वो अब आपने इसको भूना, इसने जैसे तेल छोड़ना शुरू किया, आपको लगा क्योंकि चिकन ना जरा जल्दी, जर्मनी में तो तलते तलते ही हो जाती है. हाँ. तो इसको बहुत धीमी आंच में नहीं, वरना चिकन टूट जाएगी. टूटी हुई चिकन अच्छी नहीं लगती. मीडियम आंच पे बनाए. फिर उसके बाद इसमें आपने 4 से 5, 8-10 बल्के ले लें. यहाँ के काजू छोटे होते हैं, वहाँ के काजू बड़े होते हैं. काजू भी डाले, काजू आपने पीस के रख लिए. हाँ. उसके पाउडर आपने डाला जब आपकी जो चिकन है ना उसने थोड़ा ऑयल छोड़ा है. ओह यानी कि वो पकने के करीब है. ये बड़ा डिफरेंट है. तो थिकनेस आती है भी, आप चखेंगी. वो आपने डाला, तो आप काजू के जो पिसा हुआ काजू था उससे आप थिकनेस लेकर जी बिल्कुल. वो आपने नहीं कि वो अब ऐसी ही आ जाती है, जबकि उसमें क्रीम भी डलेगी इसमें. फिर आपने एंड पे 2 चम्मच क्रीम, वो मिल्क क्रीम हो, आप क्या कहते हैं मैंने ब्रांड का नाम भी किसी भी टेट्रा पैक की हो या घर की भी हो. मेरे पास तो घर की भी हो तो मैं उसको भी अच्छा सा फेंट के उसमें डाल देती हूँ. अच्छा बन जाता है. ये हो गई कसूरी. ये क्रीम भी डली है जहन में, काजू भी डल रहे हैं. एक चीट डे तो होता है, एक चीट डे होता है, और फिर कभी इसका नाम है कसूरी मेथी चिकन, कसूरी मलाई चिकन, कसूरी मलाई चिकन.